بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. आज ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी की ईद का दिन है, वो अजीम दिन कि जिसमें मुसलमानों ने आलम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए और अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करते हुए लाखों जानवर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर कुर्बान करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपना खलील बनाया, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया। सामेअने किराम, जब आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ेंगे और आपकी सीरत का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आजमाइशों में गुजर गई, इम्तिहानात में गुजर गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ और याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने कई बातों के जरिए आजमाया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम बातों को पूरा कर दिखाया। قال إني جاعلك للناس إماما अल्लाह ने फरमाया आए इब्राहिम मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, आए इब्राहिम मैं तुझे लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। قال ومن ذريتي इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आए अल्लाह क्या मेरी औलाद को भी, अल्लाह ने फरमाया لا ينال عهد الظالمين ظالم लोग मेरे अहद में दाखिल नहीं होंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि कई बातों के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, लेकिन एक इम्तिहान ऐसा भी था, एक आजमाइश ऐसी भी थी कि जब उस इम्तिहान का जिक्र किया जाता है तो आज भी जमीन कांप उठती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
सूरह साफात में पूरा नक्शा खींचा है। फरमाया وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आबाई वतन को छोड़ा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दादाओं की सरजमीन को खैराबाद कह दिया, तो अपने रब से ये दुआ की कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे रब, तू मुझे नेक बेटा अता फरमा, आए अल्लाह तू मुझे नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ने उन्हें एक बुढ़वा बेटे की खुशखबरी दी। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल से ज्यादा थी। जब अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा के पुत्र से एक बेटा अता किया और उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। इस बेटे के ताल्लुक से सबसे पहली आजमाइश ये हुई कि अल्लाह ने हुक्म दिया, आए इब्राहिम अपने बच्चे को और अपनी बीवी को बे आबो गयाबादी में छोड़ाए, जहां पर ना कोई आदमी आबाद था और ना ही कोई फलदार दरख्त उगता था और ना ही पानी का वजूद था। अल्लाह की तरफ से इस आजमाइश पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे उतरे और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी बीवी को और अपने बच्चे को बे आबो गयाबादी में छोड़कर आ जाते हैं। सिर्फ इस छोटे से खानदान को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में छोड़कर चले गए, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खानदान पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल की। नबी अकरम के चचा साद भाई मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा बयान करते हैं कि औरतों में सबसे पहले हजरत हाजरा ने कमर पट्टा बांधा ताकि हजरत सारों का सुराग तक ना पाए। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और उनके बच्चे इस्माइल को वहां से निकाल लाए। उस वक्त हजरत हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल्लाह के पास मस्जिदुल हराम की बुलंद जानिब जहां आबे जमजम है एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा दिया, जहां पर ना कोई इंसान था और ना ही पानी का वजूद था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें एक खजूर का थैला और एक मशकीजा पानी का देकर चले आए। जब जाने लगे हजरत हाजरा उनके पीछे आई और उनसे पूछा ऐसी वादी में छोड़कर कहां जा रहे हो जहां पर ना कोई इंसान रहता है और ना ही पानी का वजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फकालत लहू जालिका मिरारा हाजरा ने कई बार पूछा, अपने सवाल को कई बार दोहराया। वजअल ला यल्तफितु इलैहा, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ मुड़कर भी ना देखा। फिर हजरत हाजरा ने कहा अल्लाहु अमरका बिहाजा, आए इब्राहिम क्या अल्लाह ने आपको ऐसा हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। तब हजरत हाजरा ने कहा इज़ल्ला युज़य्योना, अगर अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है तब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़ाय नहीं करेगा, तब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बर्बाद नहीं करेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चलकर जब एक टीले पर पहुंचे जहां से उन्हें देख ना सकते थे, अपने हाथों को उठाकर इन कलिमात के साथ दुआ की रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैर ज़ी ज़रअइन 'इंदा बैतिकल मुहर्रम। हजरत हाजरा
इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना दूध और ये पानी पिलाते रहे, यहाँ तक कि पानी खत्म हो जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी प्यासे हो जाते हैं, हजरत हाजरा भी प्यासे हो जाती हैं। हजरत हाजरा ने बच्चे की तरफ देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो वो प्यास के मारे तड़प रहे हैं, बच्चा प्यास के मारे बिलबिला रहा है। हजरत हाजरा सुन की आदत देखी ना गई और आप चल पड़ी, देखा कि सफा पहाड़ी ही आपके करीब है। आप सफा पहाड़ी पर चढ़ गई, यहाँ तक कि वादी में आ जाती हैं। वो देख रही थी कि कोई आदमी नजर आ जाए, मगर उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया। फिर सफा पहाड़ी से उतरी, यहाँ तक कि वादी में पहुंच जाती हैं और अपनी कमीज का दामन उठाया और एक मुसीबत ज़दा आदमी की तरह दौड़ने लगी, यहाँ तक कि वादी तय कर ली और मरवा पहाड़ी पर पहुंच गई। मरवा पहाड़ी पर पहुंच गई, वहां से देखा कि कोई आदमी नजर आता है कि नहीं, मगर कोई आदमी उन्हें नजर नहीं आया। इसी कैफियत में हजरत हाजरा ने सफा और मरवा के साथ चक्कर लगाए। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फदालिक सअयु الناس بينهما, कि उसी वक्त से लोगों ने सफा और मरवा का तवाफ करना शुरू कर दिया। जब हजरत हाजरा सातवें चक्कर में मरवा पर चढ़ी तो उन्होंने खुद से कहा कि खामोश रहो, अपने आप से कहा कि खामोश रहो, बात सुनो। फिर हजरत हाजरा ने अपना कान लगाया तो वही आवाज़ सुनी, कहने लगी मैंने तेरी आवाज़ सुनी, क्या तू हमारी कुछ मदद कर सकता है। उसी वक्त हजरत हाजरा ने जमजम के मकाम पर एक फरिश्ता देखा, जमजम के मकाम पर एक फरिश्ता देखा, उस फरिश्ते ने अपना पैर यह एड़ी मारकर जमीन को खोद डाला और वहीं से पानी निकल आया। हजरत हाजरा उसको हौज की तरह बनाने लगी, अपने हाथ से मुंडेर बांधने लगी और अपने चुल्लू से मशकीजे में पानी भरने लगी। जैसे ही वो चुल्लू से पानी लेती तो खूब जोश के साथ दोबारा वहां से पानी निकल आता। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यरहमुल्लाहु उम्मा इस्माइल लौ कानत जमजम औ काला लौ लम तुगरिक मिनल मा लकानत जमजम उइना मईना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला उम्मे इस्माइल पर रहम फरमाए, इस्माइल की माँ यानी हजरत हाजरा पर रहम फरमाए, कि अगर वो जमजम को अपनी हालत पर छोड़ देती, या फरमाया कि अगर वो उससे चुल्लू चुल्लू पानी न लेती तो जमजम एक बहता हुआ चश्मा बन जाता। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, इस आजमाइश के ताल्लुक से जो आयात मैंने जिक्र की हैं, उन आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, फलम्मा बलग मअहु सया, कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए, जब वो बालिग हो गए, जब वो अपने बाप का सारा बनने के लायक हो गए, जब वो दौड़ धूप करने के लायक हो गए, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने इकलौते बेटे को ज़िबह कर रहे हैं, वो अपने जिगर के टुकड़े को ज़िबह कर रहे हैं। तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनकी राय तलब की, जिससे पता ये चला कि माँ बाप को औलाद पर अपने फैसले थोपना नहीं चाहिए, बस बल्कि उसकी राय को भी पूछ लेना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा, आए मेरे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, इस बारे में तेरी क्या राय है, आए मेरे बेटे इस बारे में तेरा क्या ख्याल है। बुर्दबार बेटे ने फौरन जवाब दिया, या अबति फ़ाइल मा तुमर, आए अब्बाजान आप वो काम कर गुजरे जिसका आपको हुक्म दिया गया है, और मजीद अपने सब्रों सबात का यकीन दिलाते हुए काम सत्तजीदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन, आया अब्बा जान अगर अल्लाह ने चाहा मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये किसने सिखाया इस्माइल अलैहिस्सलाम को, ये तरबियत किसने की, उनकी माँ ने की, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर चले गए थे। अगर आजकल की औरतें होती तो उसके बाप के खिलाफ भड़का कर उसको बाप के खिलाफ खड़ा कर देती, ये तरबियत की थी। सताजी दुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आयम बजान आप वो काम कर गुजरे
जिसका आपका हुक्म दिया गया है, अगर अल्लाह ने चाहा आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। क्या जज्बा था बाप बेटे का कि दोनों अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हैं, बाप कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने जवान सार बेटे को जिबा करने के लिए तैयार है, अपने इकलौते बेटे को जिबा करने के लिए तैयार है और बेटा भी कुर्बान होने के लिए बेताब है। यकीनन ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ने यही तो फरमाया कि इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। यकीनन ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, खुली हुई आजमाइश थी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर मीना के मकाम की तरफ गए और उनको ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल पछाड़ दिया। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन, जब वो दोनों मुत्तफिक हो गए, जब वो दोनों मुतीउ फरमा बरदार हो गए, व तल्लहु लिलजबीन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेशानी के बल पछाड़ दिया। उसके बाद चश्मे फलक ने जो मंजर देखा कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान सार बेटे के गर्दन पर छुरी रख रहा है, तारीख इंसानी ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। जमीन भी इस मंजर को देखकर कांप उठती है, आसमान भी थर्रा जाता है, सूरज भी मदहोश होने लगता है कि एक बूढ़ा बाप और अपने जवान सार बेटे को जिबा कर रहा है। वो बेटा जो मुद्दतों दुआ करने के बाद मिला है, जो सालों दुआ करने के बाद मिला है, आज उस बेटे की गर्दन पर बाप की छुरी है और वो जिबा करने के लिए तैयार है। आयन उसी घड़ी में अल्लाह ने आवाज लगाई, या इब्राहिम, आ इब्राहिम, कद सद्दकत रुया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, इन्ना कदालिक नजज़ी मुहसिनीन, हम मुहसिनीन को इसी तरह बदला दिया करते हैं। और अल्लाह ने क्या किया, उस इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया, वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम, एक अजीम मेंढा भेज दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मेंढे को ज़िबा किया। तो इस तरह से ये इंसानों की कुर्बानी हैवानात की कुर्बानी में तब्दील हो गई। आज हम जो कुर्बानियाँ करते हैं तो हमारे दिलों में ये जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह हम इस जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, हम इस मेंढे की, दुम्बे की, बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी देंगे, हम अपनी कुर्बानी भी देंगे। एक इंसान, एक मोमिन मौत से नहीं डरता। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के मालों और उनकी जानों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। तो ये वाजिम कुर्बानी थी जिस कुर्बानी के जरिए से लाखों मुसलमान आज अल्लाह